वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हुआ। आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल के हक में 215 वोट पड़े, बिल की मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। सभी मेंबरान ने इत्तेफाक राय से वोट किया है। महिला आरक्षण बिल अब राज्यसभा में भी पास हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 215 वोट पड़े, एक भी वोट इस बिल की मुखालफत में नहीं पड़ा। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। बड़ी हुसूलियाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खवातीन रिजर्वेशन का ये बिल चर्चा में रहा। खुसूसी सेशन बुलाकर सरकार ने इस बिल को पेश किया। बता दें कि अपोजिशन की ओर से भी इसकी मुखालफत नहीं की गई। इस बिल के साथ सभी खड़े हुए नजर आए। बहरहाल चर्चा होती रही। इस बिल पर क्रेडिट लेने की जो होड़ थी वो अपोजिशन पार्टियों की ओर से लगाई गई। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राजीव गांधी के वक्त में, फिर मनमोहन सिंह की मुद्दत कार के दौरान भी इस बिल पर चर्चा की गई थी और कोशिश की गई थी कि इस बिल को अमल में लाया जाए, इसे नाफिज कराया जाए, लेकिन इस पर कानून नहीं बन सका क्योंकि उस वक्त मुखालफत की गई थी। इस तरह की चर्चा जरूर देखने को मिली लेकिन इसकी मुखालफत नहीं हुई। और एक बड़ा बाब जुड़ जाएगा, एक तारीख यहाँ पर रकम हो जाएगी। खवातीन को तहफ्फुज़ किस तरह फराहम कराया जाए उसमें एक बड़ा कदम है खवातीन रिजर्वेशन बिल का। 33% रिजर्वेशन खवातीन के लिए इस बिल के जरिए दिया गया। हालांकि मांग ये भी उठी कि जब आधी आबादी है तो 50% क्यों नहीं। बहरहाल इसे भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 33% रिजर्वेशन अब खवातीन के लिए किया गया। राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है। इसके बाद सदर जमहूरिया के पास पहुंचेगी इसकी कॉपी और उनके साइन के बाद ये कानून हो जाएगा। खवातीन के लिए 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। एक बड़ा बदलाव, एक तारीखी चेंज कहें, वो आता हुआ अब नजर आएगा। हालांकि इसका अमल किस तरह से मुमकिन हो पाएगा इस पर कई सवाल हैं। कब तक इसका असर देखने को मिलेगा।